दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सब सबकी डिमांड पर मैं फिर से लेकर आ चुका हूं ब्लू स्टेशनरी का कलेक्शन और गाइस सारी सारी की चीजें जो है ना ब्लू कलर की आज हमारे पास ये देखो पूरा बॉक्स ना ब्लू आइटम से भरा हुआ है और ऐसी ऐसी चीजें है ना जो आपने लाइफ में कभी भी नहीं देखी होंगी तो मैं एक एक करके सारी चीजें दिखाने वाला हूं तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना एंड तक तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले गाइज में आपको दिखाने वाला हूं हमारे पास है यहां पर एक चाबी ब्लू कलर की दिख रही है आपको और ये देखो ये चाबी जैसे दिखने वाला चलाना एक पेन है जी हाँ ये पेन है ये देखो रियल चाबी लग रही है ना यहां से आपको कैप हटानी है और देखो ये बन गया पेन अब इससे आप लिख सकते हो और वापस से कैप लगाओगे फिर से ये चाबी की तरह दिखने लगेगा इसकी बॉडी पूरी प्लास्टिक की बनी है बट देखने में एकदम रियल चाबी की तरह ही ये नजर आता है इसके बाद यहां पर हमारे पास है एक बहुत ही प्यारा सा जो टॉय हॉर्स होता है ना ये वो वाला पेंसिल शार्पनर इसको कैसे यूज करते हैं मैं दिखाता हूं आपको ये डबल होल वाला पेंसिल शार्पनर है ऐसे दो दो पेंसिल शार्प कर सकते हो आप लोग और बाद में इस तरीके से ओपन करके यहां से आप डस्ट निकाल सकते हो देखो ये रहे दो दो ब्लेड यहां सारा डस्ट कलेक्ट हो जाता है और देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना कितना प्यारा पेंसिल शार्पनर है ना देखो इजिली बंद हो जाता है और ये काफी क्यूट लगता है देखने में टॉय की तरह और इधर हमारे पास एक बहुत ही प्यारा एक और आउल वाला पेंसिल शार्पनर है और इसके अंदर भी यहां पर डबल होल होते हैं ये देखो दो दो होल है यहां से दो दो पेंसिल शार्प हो जाएंगी और बाद में जो है डस्ट इस तरीके

है और इधर ना एक बहुत ही कमाल की चीज है जो है हमारे पास एक डोरे मोन का पेन ये देखो यहां पर डोरेमोन का फेस है और यहां पर कितने सारे डोरेमोन प्रिंटेड है और यहां पर तो डोरेमोन लिखा भी हुआ है और ये ना मल्टीपल इंक वाला पेन है इसके अंदर टोटल सिक्स इंक्स देखने के लिए मिलती है हमें यहां पर देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इंक होते हैं इसके अंदर और कोई भी इंक आप यूज कर सकते हो आपको पांच छह अलग अलग पेन कहीं पर लेकर जाने की जरूरत नहीं है एक ही पेन ले जाओ उसके अंदर सारी इंक आपको देखने के लिए मिल जाती है लगभग जो भी आपको नीड होती है इसके बाद यहां पर एक छोटा सा केस है हमारे पास ये देखो यूनिकॉन आर रियल यहां लिखा हुआ है और इसके ऊपर यूनिकॉन

कितना कितना क्यूट है ना और इधर हमारे पास ना कुछ बहुत ही प्यारी कलर पेंसिल है ट्वेंटी फोर कलर पेंसिल्स आपको लिखा हुआ दिख रहा है इसके अंदर लेकिन सिर्फ बारह पेंसिल है लेकिन इनको ट्वेंटी फोर कलर पेंसिल क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूं ये स्पेस की कलर पेंसिल्स हैं देखो मैं निकाल के दिखाता हूं आपको बहुत ही यूनिक लगेंगी ये कलर पेंसिल्स ये टू इन वन वाली कलर पेंसिल होती है इसीलिए इनको बोलते हैं ट्वेंटी फोर कलर पेंसिल्स ये देखो अभी आपको दिख रही है एक ही पेंसिल अब ये देखो ये एक दूसरी साइड से भी इसके अंदर सेम ही कलर देखने के लिए मिलता है ये देखो ये देखो यहां पर अलग कलर है और इधर अलग कलर है जैसे ये वाली देखो एक साइड से सिल्वर और एक साइड से गोल्डन है ये ग्रीन है और येलो है ये रेड और लाइट ग्रीन है और ये डार्क ग्रीन और येलो है और ये व्हाइट और ब्लैक कलर है तो इसके अंदर टू ये टोटल ट्वेल्व पेंसिल है बट देखा जाए तो ये टोटल ट्वेल्व कलर्स इसके अंदर हमें जो है देखने के लिए मिलता है तो कैसी लगी आपको स्पेस वाली कलर पेंसिल्स जल्दी से कमेंट में बताओ और इसके बाद तो भी बहुत सारी आइटम है इधर ना हमारे पास एक बहुत कमाल की वॉच है एक ब्लू कलर की ये गाइस है कि एक बैंड टेन की वॉच यहां पर देखो इसके अंदर बैंड टेन है और यहां पर बैंड टेन लिखा भी हुआ इधर बैंड टेन बना हुआ है यहां पर भी बैंड टन बना हुआ है और ये वॉच हाथ में पहनने के बाद बहुत कम की लगती है बहुत शानदार लगती है बैंड टेन के फैंस है ना उनको ये वॉच बहुत ज्यादा ही पसंद आने वाली है और इधर ना हमारे पास देखो एक ही बहुत ही बस्त चीज है देखो ये एंग्री बर्ड की एक चीज है हमारे पास मैं दिखाता तो, हूँ ये भी एक स्टेशनरी आइटम है ये देखो इधर तो इसके अंदर लगा हुआ है ब्रश और इधर देखोगे तो इधर लगा हुआ है इरेजर और यहां से पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो और यहाँ से ओपन करके डस्ट निकाल सकते हो तो थ्री वन ये शार्पनर है इसके अंदर इरेजर भी मिलती है और शार्पनर भी मिलती है और इसके अंदर ब्रश भी मिल जाता है तो थ्री वन है ये काफी कमाल की चीज है इसके अंदर अगर पेंसिल और मिल जाती ना तो मतलब ऑल इन वन हो जाती है चीज तो एकदम काफी जबरदस्त चीज है ये और इधर हमारे पास बी का आपको एक जूस का ग्लास नजर आ रहा होगा देखो लग रहा है ना आपको एकदम और इसके ऊपर स्ट्रॉ लग रही होगी दिखी दिख रही होगी ये स्ट्रॉ नहीं ये इरेजर है और यहां पर एक पेंसिल शार्प

बहुत ज्यादा शानदार वो चाहिए यहाँ पर गाइज हमारे पास एक इरेजर है ये है एक पिग इरेजर देखो यहाँ पर पिग बना हुआ है आप इसको निकालेंगे कैसे गाइज यहां से घुमाएंगे और यहाँ से आपकी इरेजर बाहर आ जाती है और इससे इरेज कर सकते हो और इरेज करके वापस से इसको इसके अंदर कर सकते हो देखो कितनी यूनिक इरेजर है ना ये और यहां पर हमारे पास ना एक और वॉच है जो आपको बहुत पसंद आएगी स्पेशली ना गर्ल्स को ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि थोड़ी पतली वॉच है ये यह। यहां पर देखो बैन बना हुआ है यहां पर भी बैन बना हुआ है यहां पर बैन लिखा है और इसके अंदर बैन प्रिंटेड है देखो पूरा अंदर यहां पर बैंडेन का लोगो भी है और बैन भी है और देखो कितनी कमाल की लग रही है ना ये वॉच और ये बहुत ही इसका स्ट्रैप बहुत मुलायम होता है बहुत सॉफ्ट होता है ये बहुत ही पहनने में भी मतलब बिल्कुल भी चुभती नहीं है बहुत ही क्यूट लगती है वॉच देखो क्या कमाल की वॉच है ना बैंड टेन की क्यूट वॉच है यार एकदम से और यहाँ पर गाइज हमारे पास ना एक बहुत ही अच्छा गेम है देखो इसका नाम है मैग्नेटिक पैन लेबिरिंथ और इसका नाम है और देखो इसके अंदर से निकाल के दिखाता हूँ मेन इसको बोलते हैं मेज गेम देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी इससे ना आपकी जो मेंटल पावर है वो दिमाग की पावर होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है तो हमें क्या करना होता है यहाँ पर बहुत सारी गोलियां हैं हमें यहाँ पर बीच में लाना होता है तो आप कुछ इस तरीके से एक गेम को खेल के आप ये गोलियों को यहाँ पर बीच में ला सकते हो बहुत मुश्किल काम मुश्किल काम होता है देखो यहाँ पर हमने दो गोलियां लिया है इनको बीच में लेकर आने की कोशिश करेंगे और देखो गाइज मुझसे नहीं हो पा रहा है यहाँ पर हम दो ही गोली यहाँ पर ला पाए हैं अब इनको भी यहाँ थोड़ा सा बीच में हम लाने की कोशिश करेंगे देखो यहाँ पर देखो ये दो गोलियाँ बीच में आ गई अब ये देखो सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक साथ सारी गोलियों को यहाँ पर बीच में लाना लेकिन आप एक और चीज कर सकते हो इसके साथ एक पैन मिलता है पैन की हेल्प से आप यहाँ पर गोलियों को बीच में जो है ला सकते हो देखो इस तरीके से जैसे कि मैं ला रहा हूँ ये देखो यहाँ पर एक लिया अब ये दो बची हैं इन दोनों को भी मैं लेकर आने की कोशिश जो है यहाँ पर करता हूँ देखो यहाँ पर दो गोलियों को मैं यहां पर इस तरीके से ले आया अबे सारी ही गोलियां मैं बीच में ले आया लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है बिना इस पेन के खेलना तो कैसे लगी आपको ये मेज गेम कमेंट में जरूर बताना मुझे काफी यूनिक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेम है यहाँ पर यूनिकॉर्न का हमारे पास एक छोटा सा सूटकेस है देखो और इधर ना इसके अंदर मिलते हैं हमें इरेजर यहाँ से इरेज कर सकते हो इरेजर निकाल के और यहाँ पर हमें मिलता है पेंसिल शार्पनर ये देखो यहाँ पर शार्पनर है और देखो इस तरीके से ओपन करके आप इसको चला करके भी खेल सकते हो एकदम सूटकेस का ये काम करती है काफी कमाल की चीज है ना और काफी क्यूट भी है और उसके तो ऊपर ना यहाँ पर तीन तीन यूनिकॉर्न बने हुए अलग अलग कलर वाले और यहां पर हमारे पास है डोरेमोन का एक बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर हमें मिलेगा एक कॉफी मग देखो दिखाता हूं मैं आपको इसके अंदर पर सिर्फ ये नहीं है कि आप कॉफी ही पी सकते हो इसके अंदर आप जूस भी पी सकते हो दूध भी पी सकते हो पानी भी पी सकते हो चाय भी पी सकते हो यहां लिखा है डोरेमो एम डोरेमोन यहाँ डोरेमोन प्रिंटेड है यहां पर भी और यहां से देखो इस तरीके से पकड़ के यूज कर सकते हो आप लोग और यहां से ओपन करोगे कैप और देखो इसके अंदर टोटल टू फिफ्टी लिक्विड आ जाता है और ये देखो वापस से ऐसे बंद कर सकते हो ये एयर टाइट होती है कैप इसकी देखो कितनी कमाल की लग रही है ना ये चीज बहुत ही क्यूट भी तो है देखने में यहां पर हमारे पास ना यूनिकॉर्न का एक बॉक्स है बड़ा सा देखो और इसके अंदर हमें कुछ मिलता है लिखा मैजिक और यहाँ देखो कितना फनी और क्यूट यूनिकॉर्न बना हुआ है और देखो यहां पर लगा हुआ है ताला अभी बिना ताले के ये बॉक्स खुलता नहीं है इस बॉक्स को खुलने के लिए पड़ती है दो चाबियों की जरूरत पर हमारे पास ऑलरेडी है तो हमने इसको खोल के रखा हुआ है पहले ही तो अब इसको यहां से ओपन करेंगे तो इसके अंदर देखो हमें क्या मिलता है इसके अंदर हमें मिलती है एक नोटबुक ये भी यूनिकॉर्न की नोटबुक है यहाँ पर मैजिक लिखा है और यहाँ पर देखो इसके अंदर बहुत सारे पेजेस है इसको आप अपनी सीक्रेट डायरी बना सकते हो इसके अंदर एक साइड से ब्लू और एक साइड से पिंक कलर के प्रिंटेड पेज मिल जाते हैं देखो काफी कमाल के पेजेस है ना देखो कितनी क्यूट लग रही है ये और इसको वापस से लिखने के बाद अपनी सीक्रेट नोट्स लिखने के बाद वापस से आप इसको इस बॉक्स में रख के ऐसे रख के और ताला लगा सकते हो और जिससे कि बिना चाबी के इसको कोई खोल भी नहीं पाएगा और आपके सीक्रेट नोट्स कोई पढ़ भी नहीं पाएगा काफी कमाल की चीज है ना ये बहुत यूनिक चीज है और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है एवेंजर्स का एक छोटा सा पेंसिल बॉक्स पतला सा लंबा सा देखो कितना क्यूट है यहाँ पर हल्क है थॉर है कैप्टन अमेरिका है ब्लैक विडो है क्लिंट है और आयरन मैन है और ये इधर से भी ओपन हो जाता है यहां पर भी चीजें रख सकते हो और ये इधर से भी ओपन हो जाता है यहां पर भी चीजें रख सकते हो इधर भी और इधर भी दोनों तरफ आप अपनी स्टेशनरी आइटम रख सकते हो और इजिली बंद भी हो जाता है क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी इधर हमारे पास एक बहुत ही प्यारा पेंसिल बॉक्स है ट्रेवल बस वाला और देखो पूरा मेटल का बना हुआ है इसके अंदर व्हील लगे हुए हैं और ये व्हील घूमते भी हैं जब आप बोर हो रहे हो तो जमीन पर चलाकर खेल सकते हो इसको और इस बस को चला रहा है जिराफ यहाँ बैट बैठा हुआ है यहाँ पर हिप्पो राइनो बैठा हुआ है और यहाँ पर टाइगर शार्क बैठी हुई है इसको हैंडल है इसकी हेल्प से पकड़ के आप कहीं पर भी इसको लेकर जा सकते हो इसको यहां से ओपन करोगे तो इसके अंदर देखो गाइस इसके अंदर आपको कितना बड़ा स्पेस मिल जाता है इसके ऊपर यहां पर वन से 9 तक टेबल लिखी हुई है यहां पर भी चीजें रख सकते हो यहां पर भी रख सकते हो और यहां पर भी चीजें रख सकते हो अरे इजीली बंद हो जाता है देखो क्या कमाल का पेंसिल बॉक्स है गाइस ये ट्रेवल बस वाला और यहां पर हमारे पास है डोरेमोन का एक जंबो पेंसिल बॉक्स है यह मल्टी फंक्शनल पेंसिल अंदर देखो चार बटन दिख रहे होंगे यहां पर देखो नोबिता है 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 यहां यहां डोरामी तो ये बटन दबाते हैं पहला पर है पेंसिल शार्पनर शार्पनर इसके अंदर मिल जाता हमें यहां पर एक बटन है इसको दबाओगे तो यहां पर इरेजर वगैरह रख सकते हो और यहां पर ये वाला और ये वाला बटन दबाओगे तो यहां पर इसके अंदर भी अपनी चीजें छोटी मोटी चीजें आप आराम से रख सकते हो अब इसको यहां पर खोलेंगे यहां पर एक स्लाइड का बटन है इसको स्लाइड करोगे तो यहां पर भी एक सीक्रेट स्पेस ओपन हो जाता है यहां पर पेंसिल लॉक

या फिर मैक्रोनी वगैरह या जो आपका मन करे वो आप पराठे वगैरह इसके अंदर लेकर के जा सकते हो और ये देखो इजीली ये बंद भी हो जाता है देखो कितना कमाल का लंच बॉक्स है ना काफी क्यूट है और ये स्पेस वाला पेंसिल बॉक्स है कोई लंच बॉक्स है कोई नॉर्मल नहीं है इसके बाद हमारे पास है ट्रेन वाला पेंसिल बॉक्स देखो ये ट्रेन के इंजन की तरह नजर आता है और इसका पायलट है मंकी देखो कितनी क्यूट लग रही है ना और ये ट्रेन चलती भी है क्योंकि इसके अंदर चार व्हील दिए गए हैं दो ये रहे और दो ये रहे और यहाँ एक धागा है इसको खींचने से इसकी मोटर एक्टिवेट हो जाती है देखो इसको खींच के छोड़ते हैं तो देखो इसका क्या साउंड आता है ना तो जमीन पर रखो तो ये ट्रेन बहुत तेज भागती है और साथ ही साथ यहां से ओपन करोगे तो यहां पर भी स्टेशनरी आइटम रख सकते हो और उसको तो बंद करके यहां से ओपन करोगे तो यहां पर भी स्टेशनरी आइटम रख सकते हो और ये रही इसकी मोटर और यहाँ पे वन से नए तक टेबल यहाँ भी लिखी है और यहाँ पर भी मंकी प्रिंटेड है और ये इजिली बंद हो जाती है काफ़ी कमाल की चीज़ ये बनाई है जिसने भी बनाई है यहाँ पर पेंसिल जैसे दिखने वाला एक पेंसिल बॉक्स है हमारे पास इसके ऊपर बहुत सारे एवेंजर्स प्रिंटेड है जैसे यहाँ पर आयरन मैन है और थैनोस है कैप्टन अमेरिका है थॉर है और, और हल्के है यहाँ पर देखो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं ना और ये इसको पकड़ोगे तो एकदम ऐसा लगेगा रियल पेंसिल पकड़ी हुई है यहाँ पर एक हैंडल है इसको पकड़ के ले, आ, ले आने के लिए और टांगने के लिए और यहाँ से ओपन करके इसके अंदर स्टेशनरी आइटम आप आराम से जो है रख सकते हो और ये इजीली जो ऐसे बंद भी हो जाता है काफी कमाल की और यूनिक चीज है यहां पर एक और पेंसिल बॉक्स है तो पूरा एकदम माउस ही लगता है और इसको यहाँ से ओपन करोगे तो इसके अंदर आप अपनी स्टेशनरी आइटम वगैरह रख सकते हो यहाँ पर एक ट्रे है ट्रे के ऊपर यहाँ पर चार चार पेंसिल लॉक हो जाएंगी इसके ऊपर पेंसिल लॉक करके इसको हटाओगे ट्रे को तो इसके नीचे तो बहुत ही सारी चीजें आप आराम से रख सकते हो देखो कितना सब कितना कुछ इसमें आरा आपको आराम से आ जाएगा काफी कमाल की चीज है यहाँ पर हमारे पास एक और पेंसिल बॉक्स है देखो क्या क्यूट पेंसिल बॉक्स है यहाँ लिखा है रॉबर्ट यहाँ पर एक टेडी बेयर इस बस को चला रहा है और देखो यहाँ ट्रक लिखा हुआ है ट्रक है ये और देखो यहाँ पर एक व्हाइट बोर्ड भी है तो इसको यहाँ से ओपन करोगे यहां पर हमें मिलता है एक marker, एक pencil, sharpner, एक बोर्ड मार्कर पेंसिल शार्पनर इरेजर और एक इरेजर टिप वाली पेंसिल और एक फिफ्टीन सेंटीमीटर का स्केल अब इस ट्रांसपेरेंट ट्रे को हटाओगे तो इसके अंदर नीचे एक मेटल ट्रे है इस मेटल ट्रे के ऊपर भी आप चीजें रख सकते हो और इसको हटा के इसके नीचे तो बहुत ही कुछ आप आराम से रख पाओगे जैसे स्केल कंपास डिवाइडर सेट स्क्वायर कंपास वगैरह सब कुछ आपका इसमें आराम से आ जाएगा काफी सारी चीजें इसमें आराम से आ जाती है और यहां पर हमारे बीटीएस का एक बॉक्स। देखो यहां लिखा है, सीन और नाम अगर आपको पता है, तो कमेंट में बताना मुझे और यहां पर देखो यहां पर एक मिनी स्पेस मिल जाता है स्टेशनरी आइटम रखने के लिए और यहां एक बटन है इसको दबाओगे डबल होल ओपन जाते हैं पेंसिल शार्प करने के लिए ओपन करोगे तो यहां पर आप देखोगे आपको शेड्यूल स्लिप मिल जाते हैं टाइम टेबल स्लिप मंडे टू फ्राइडे का आप लिख सकते हो यहां पर पेंसिल लॉक हो जाएंगी आपकी और इसको यहां से बंद करोगे तो यहां पर भी आप बहुत कुछ रख पाओगे काफी कमाल का ये पेंसिल बॉक्स है बीटीएस का यहाँ पर एक कार शेप में हमारे पास एक पेंसिल बॉक्स आया है और देखो यहाँ लिखा सुपर 65 इंजन ये पूरा मेटल का बना हुआ यहां है यहाँ पर व्हील्स भी प्रिंटेड हैं देखो इसकी कि लुक कितनी अमेजिंग लग रही है ना एकदम कार जैसी और इसको यहाँ से ओपन करोगे तो इसके अंदर देखो मिनी कार भी आपको देखने के लिए मिल जाती है इसके अंदर भी आप चीजें रख सकते हो और यहाँ से देखो यहाँ पर चीजें बहुत सारी आ जाएंगी यहाँ पर वन से तक टेबल लिखी हुई है और इस ट्रे को हटाओगे तो ट्रे के नीचे भी आप बहुत कुछ स्टेशनरी आइटम्स अपनी रख पाओगे देखो काफी कमाल की चीज है ना और ये इजीली बंद भी हो जाती है काफी क्यूट है यार ये बहुत ही जबरदस्त लगी मुझे क्योंकि ये कार की शेप की है ना इसलिए अब मैं आपको दिखाने वाला हूं बहुत ही मस्त चीज जो है ट्रेन वाली पेंसिल बॉक्स और देखो इसके अंदर तो ट्रेन वाली लुक है पूरी की पूरी लिखा है वेलकम स्पेस ट्रेवल और यहाँ पर आठ व्हील है चार व्हील ये रहे चार ये रहे और ये घूमते भी हैं अब आप बोर हो रहे हो तो इस तरीके से चला करके भी खेल सकते हो और यहां से पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो और बाद में ऐसे ओपन करके पेंसिल का कचरा सारा निकाल सकते हो ये रहा इसका ब्लेड और ये इजिली बंद भी हो जाता है और यहां से इसको ओपन करोगे यहां पर आप पेंसिल लॉक कर सकते हो और यहाँ पर स्टेशनरी रख सकते हो और इसके पीछे तो बहुत ही सारी स्टेशनरी आ जाएगी क्योंकि जो पीछे का स्पेस है ना वो कुछ ज्यादा ही गहरा यहां पर दिया गया है इसकी लुक देखो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लुक है इस पेंसिल बॉक्स की यहां पर गाइज हमारे पास खेलो किटी का पेंसिल शार्पनर है इसके अंदर डबल होल मिल जाते हैं यहां पर और यहां से पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक बड़ा ब्लेड और एक छोटा ब्लेड देखने के लिए मिलता है और सारा कचरा इसमें स्टोर हो जाता है जब ये फुल हो जाए तो आप इसको आराम से डस्टबिन में खाली कर सकते हो जिसकी वजह से आपका ना रूम गंदा होगा ना क्लास गंदा होगा और इसके बाद यहां पर कार शेपे एवेंजर्स का एक पेंसिल बॉक्स है इसके अंदर भी एक सरप्राइज मिलता है देखने के लिए देखो कितना मस्त है

अब मैं आपको दिखाने वाला हूं सबसे बढ़िया चीज आज के वीडियो में जो एक स्पेस का आर्ट सेट है हमारे पास यहां लिखा है हंट द स्टार यहां पर एक यूनिकॉर्न स्पेस एस्ट्रोनॉट बना हुआ है और देखो मून को पकड़ रहा है यहां पर अर्थ बनी हुई है रॉकेट बना हुआ है सैटेलाइट है यहां पर कोई और प्लेनेट बना हुआ है देखो क्या जबरदस्त लुक है ना इसके ऊपर एक हैंडल है स्टील का इसको आप इस तरीके से पकड़ के लेकर जा सकते हो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं इस तरीके से अनबॉक्स हो जाता है अब अनबॉक्स करने के बाद इसको खोलते हैं तो खोलने के बाद देखो मैं इसको यहां पर रख देता हूं अब मैं इसको आपको प्रॉपर दिखाता हूं इसके अंदर क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता है इसके अंदर हमें क्या क्या आइटम्स देखने के लिए मिलती है सबसे पहले हमें यहाँ पर मिलते हैं वाटर कलर ट्यूब्स देखो इसके अंदर कितने सारे कलर हैं यहाँ पर डीप ग्रीन है यहाँ पर लैम्प ब्लैक है वायलट है और डीप ब्लू है देखो काफी सारे कलर ट्यूब्स मिलते हैं टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन कलर ट्यूब्स मिलते हैं देखने के लिए कुछ यहाँ पर ब्रश मिल जाते हैं देखो ब्रश भी मिलते हैं यहाँ पर यहाँ पर पिंस मिल जाते हैं पेपर क्लिप्स देखो पेपर कल अटैच करने के लिए यहाँ पर दो स्पेस है यहाँ पर पानी भर के आप जो है कलरिंग कर सकते हो यहाँ पर ऑयल पेस्टल मिल जाते हैं देखो कितने ऑयल पेस्टल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ऑयल पेस्टल है यहाँ पर और यहाँ पर कुछ हमारे पास टू इन वन वाले आ, आ, कलर पेन्स हैं देखो और मार्कर का भी काम करते हैं यहां पर देखो यहां से भी चलते हैं यहां से भी यहां से ये ब्रॉड चलते हैं यानी कि चौड़े और यहां से चलते हैं फाइन यानी कि पतले तो इसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हमें जो है कलर पेन मिल जाता है टू इन वन वाले इसके बाद यहां पर हमें मिलता है एक इरेजर और एक शार्पनर और यहां पर कुछ कलर पेंसिल मिलती है काउंट करते हैं कितनी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टेन ही कलर पेंसिल सारी चीजें टेन टेन वाली काउंटिंग में हमें मिलती है इसके अंदर तो गाइज मैंने आपको एक एक करके सारी की सारी चीजें दिखा दी आई होप आपने